का मेरा टॉपिक है ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटरमिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द सॉल्यूशन, खासकर इसमें चार टाइप की प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे आगे। फिलहाल हम ये जानते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है क्या और ये किस कंडीशन में अप्लाई होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपके पास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट और वोलेटाइल सॉल्वेंट प्रेजेंट हो, नॉन वोलेटाइल का मतलब कोई पर नहीं बन सकता और वोलेटाइल का मतलब वो पर बन सकते हैं, ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि आपका वो वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के कंडीशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है क्या, बेसिकली हम उसको जानने की कोशिश करते हैं। कहते हैं इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन इन विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। इट डजंट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट। मतलब ये सिर्फ क्वांटिटी पे, नंबर ऑफ पार्टिकल मतलब क्वांटिटी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, डजंट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट। तो अगर अमाउंट की बात करें, इसका मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंडेंट है। कहते हैं जब भी ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपके सॉल्वेंट में ऐड करेंगे, उस कंडीशन में इसकी प्रॉपर्टीज में ड्रास्टिकली चेंज आता है। उस चेंज में सबसे पहला नाम है, वो हम आते हैं टॉपिक इसका, टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में अगर आप आएंगे तो ये मालूम चलेगा। नंबर वन नंबर पे आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल है इनका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। डिटेल बात करेंगे इस पे। जब कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट के अंदर अगर हम ऐड किया जाए, तो ऐड करने के बाद उसके अंदर क्या होता है, वेपर प्रेशर को वो लोअर डाउन करता है। कैसे करता है इस पे डिस्कशन करेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड कंडीशन इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एंड फोर्थ कंडीशन इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टी बी, बाद में बात करेंगे कैसे करेंगे, डेल्टा टी एफ डिस्कशन किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड पाई, इसका अलग तरीका है। इन चारों प्रॉपर्टीज की डिटेल स्टडी करना ही क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज कहलाती है। रिलेटिव लोअरिंग, थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया लू, जब भी कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर आप इसमें ऐड करेंगे तो अल्टीमेटली इसके अंदर, पहले डिस्कशन कर चुका हूं, इसके वेपर प्रेशर में कमी आती है, मतलब सॉल्वेंट की क्वांटिटी वेपर कम बन पाती है ड्यू टू दिस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की वजह से। इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, अगर नॉर्मली वाटर का बॉइलिंग पॉइंट मान लीजिए 100 डिग्री से, हम सब जानते होता है, अगर उसमें आप सॉल्ट ऐड कर दें, शुगर ऐड कर दें, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगी, जिसकी बॉइलिंग पॉइंट रेज कर जाएगी। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, अगर मान लीजिए वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट हम सब जानते हैं 4 डिग्री सी पे फ्रीज करना शुरू करता है, अगर आप उस पर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो उसकी फ्रीजिंग पॉइंट और डिक्रीज कर जाएगी, मतलब 4 डिग्री से कम 2 डिग्री 1 डिग्री माइनस में चला जाएगा, दैट कंडीशन में भी आते। एंड थर्ड पॉइंट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, थोड़ा बात करेंगे, बायोलॉजिकल एप्लीकेशन है। और सबसे मेजर एप्लीकेशन जो इन चारों प्रॉपर्टीज का, वो क्या है, मोलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट। जिस सॉल्यूट का हमें मोलर मास नहीं मालूम है, थ्रू दिस एक्सपेरिमेंटल डाटा, एक्सपेरिमेंटल तरीके से हम चाहे तो इसकी आसानी से हम इनकी मोलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं, सबसे मेजर एप्लीकेशन है। बट कंडीशन टू कंडीशन जहां पे अप्लाई किया जाएगा वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। आगे हम डिटेल करेंगे इसके बारे में तो आपको ज्यादा डिटेल समझ में आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपरेशर, आखिर इसको शॉर्ट फॉर्म में आरएलवीपी कहते हैं। जैसे कि आपको पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि व्हाट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में वन बाय वन हम उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। नंबर वन पे आता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसके बारे में हम डिटेल जानेंगे। ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है क्या, एक्चुअली
जैसा कि ये पहली बात मैं बार बार कह चुका हूं, इसमें याद रखना है आपको कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के लिए है, और खासकर वो सॉल्वेंट जो है वो वोलाटाइल होगा उस कंडीशन के अप्लाई करते हैं। तो ये भी एक बाइनरी सॉल्यूशन है। कहते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक प्योर सॉल्वेंट था, सिंपल वाटर, जैसे मैंने लिया एग्जाम्पल के तौर पर, मैंने वाटर लिया। हम सब जानते हैं कि वाटर वेपर ये फॉर्म करता है, बिल्कुल करेगा। अगर हम इसमें थोड़ा सॉल्ट ऐड कर दें तो ये हमारा रहा सॉल्ट। हम जानते हैं कि सॉल्ट वेपरेशन नहीं बनाएगा, और दोनों को मिला दें अगर आप यहां पे, तो यहां फॉर्म होगा आपके पास सॉल्यूशन, सॉल्यूशन आप बना देंगे, ठीक है। अब इस कंडीशन में अगर आप देखें यहां पे, तो ये वेपर प्रेशर फॉर्म कर रहा है, इसका मतलब पी जीरो, दैट इज कॉल्ड प्योर वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर सॉल्वेंट। यहां पे अगर हम बात करें तो पी जीरो बी क्या होगा, दैट पी जीरो बी इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज सॉलिड सब्सटेंस कभी वेपोराइज नहीं होते। अब यहां पे अगर आप आएंगे तो आप फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे, तो जाहिर सी बात है यहां पे पी एस इक्वल टू फॉर्मूला आप जानते हैं पी ए प्लस पी बी होता है, तो इसी को अप्लाई करते हैं। दैट इज पी एस इक्वल टू पी ए प्लस पी बी अकॉर्डिंग टू रॉड्स लॉ मैं अप्लाई कर रहा हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि पी एस इक्वल टू पी ए प्लस पी अकॉर्डिंग टू रॉड्स लॉ, अकॉर्डिंग टू रॉड्स लॉ हम इसको अप्लाई करेंगे, तो आप जान रहे हैं यहां पे कि पी जीरो बी यहां पे जब जीरो है, और एक फॉर्मूला होता है पी ए इक्वल टू पी नॉट ए जाई ए, रॉड्स लॉ का फॉर्मूला आप जानते होंगे पहले से, पी बी इक्वल टू पी नॉट बी जाई बी, तो जाहिर सी बात है यहां पे पी नॉट बी इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो पी बी इक्वल टू क्या जीरो होगा, तो कंक्लूजन आया पी एस इक्वल टू पी ए। ये समझ में नहीं आता कि पी एस इक्वल टू पी ए। अब यहां कह सकते हैं कि वेव प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ओनली डिपेंड अपॉन द वेव प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, बट यहां कह रहे हैं रिलेटिव लोअरिंग, मतलब इससे वैल्यू घट जाती है। घटने का वजह समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब आप कोई भी प्योर सॉल्वेंट लेंगे तो जाहिर सी बात है यहां पे सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल होंगे, उसके अलावा कुछ नहीं होगा, तो यहां सिर्फ वाटर वेपर मिलेंगे आपको। अगर हमने सिर्फ वाटर लिया है यहां पे, सिर्फ वाटर है तो उस कंडीशन में, अगर यहीं पे आप अगर सॉल्यूशन की बात करेंगे, जाहिर सी बात है कि सॉल्यूशन सॉल्यूट सॉल्वेंट ये दोनों प्रेजेंट होंगे। सॉल्यूट करते क्या है, इसके अपर सरफेस एरिया में आके ट्रैप कर जाते हैं। अब देखिए, आप जानते हैं कि एवेपोरेशन का रेट डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे। यहां पे सरफेस एरिया आपको मोर सरफेस एरिया मिलेगा, और यहां पे सरफेस एरिया क्या होगा, पहले के रेस्पेक्ट में रिड्यूस कर गया, यहां पे लेस सरफेस एरिया होगा, तो वेपर भी क्या होगा, कम बनेगा। हाँ, ये बात तो क्लियर हो गया कि वेपर सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा किस पे, ओनली फॉर द सॉल्वेंट पे, सॉल्वेंट पे डिपेंड नहीं करेगा। तो वॉल्यूम वैल्यू आता है पी एस इक्वल टू, हम इसे और ओपन कर सकते हैं पी नॉट एज आई ए। अब यहां बात कही जा रही है, जैसे हम ये कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं, लेस सरफेस एरिया यहां हमें नजर आ रहा है, तो अगर आप इसको देखें यहां पे, तो सरफेस एरिया कम होगा, वेपर कम बनेगा, तो वेपरेशन में कमी आनी चाहिए। अब कमी किसकी वजह से आ रही है, ओनली फॉर दिस सॉल्यूट की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो आखिर कल्प्रिट कौन है, कल्प्रिट क्या हमारे लिए सॉल्यूट है जिसकी वजह से वेपरेशन में कमी आनी चाहिए। अब उसे जस्टिफाई हम मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन से करना चाहते हैं, कि मैथमेटिकली हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करें जिसके जरिए हम ये जस्टिफाई कर पाए कि सॉल्यूट की वजह से, सॉल्वेंट अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं किसी सॉल्वेंट में, वेपरेशन में क्या होती है, कमी आ जाती है, उसको जस्टिफाई करेंगे। ये हमारा मेन इक्वेशन नंबर वन आया। अब क्या करते हैं कि हम जानते हैं कि जाई ए प्लस जाई बी इक्वल टू वन होता है, तो अगर हम जाई ए इक्वल टू चाहें तो वन माइनस जाई बी पुट कर सकते हैं यहां पे वैल्यू। तो अगर आप यहां पे पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए वन माइनस जाई बी पुट कर दें, तो पी एस इज इक्वल टू आएगा आपके पास पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए जाई बी आएगा। क्लियर है, वन माइनस जाई बी हमने यहां से उठ के यहां पुट कर दिया। अब देखिए, पी एस माइनस पी नॉट ए इक्वल टू माइनस पी नॉट ए जाई बी। अब यहां देखिए, अगर हम इसको उधर ला दो तो क्या वैल्यू होगी, पी नॉट ए ये माइनस से प्लस हो जाएगा, माइनस पी एस अपॉन, अगर इसे नीचे लाएंगे तो माइनस पे, तो ये पी नॉट ए इज इक्वल टू जाई बी, ये फॉर्मूला निकल के आएगा। पी एस हाँ माइनस करें, माइनस प्लस कैंसिल आउट होगा यहां पे, इस वजह से हम ले सकते, अगर चाहे तो आप फिर देख सकते हैं क्या हुआ इसमें। जैसे हमने देखिए पी एस माइनस पी नॉट ए इज इक्वल टू जाई बी अपॉन माइनस पी नॉट ए कर दिया, तो माइनस को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको उल्टा कर सकते हैं, माइनस पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन माइनस पी नॉट ए, तो ये माइनस माइनस कैंसिल होता है, इसलिए माइनस से लिखा। इसी को यहां पे कहा गया, दिस पोर्शन इज कॉल्ड रिलेटिव आर एल वी पी इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो लोअरिंग वेपरेशर के होने का रीजन कौन हो सकता है, वो हो सकता है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो सकता है।
इस फॉर्मूला को इसे जस्टिफाई किया जाता है। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे लिखते हैं पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू, आप और ओपन कर सकते हैं एन बी बाई एन ए प्लस एन बी। और हम यहां पे सबसे एक्सप्लेन कर सकते हैं व्हाट इज पी नॉट ए, तो प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। व्हाट इज पी एस, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जब दोनों को मिला दिया गया। व्हाट इज एन बी, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ये सॉल्यूट कहलाएगा। और व्हाट इज एन ए, आप जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो इस पे भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से, जो है इस पे न्यूमेरिकल आपको मिलेगा उसके बारे में हम कर पाएंगे। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। आखिर हम चाहें, हमने ये साबित कर दिया कि जो वेपर प्रेशर में कमी आती है उसके लिए किसकी वजह है, वो वजह था मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। जैसा कि मैंने यहां डिस्कस किया कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कभी भी वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूट नहीं करते, उसी चीज को यहां पे जस्टिफाई किया जा रहा है। इस तरह से आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे, इस पर न्यूमेरिकल आएगा, उस न्यूमेरिकल को जरूर देखना होगा।